फ्रेंड्स, आज ये बिल्कुल एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट करवाया गया था सीटेट सितंबर 2016 में। ये जो हम आज सोल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर विद आंसर करेंगे, और ये लेवल वन के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। फर्स्ट जो पार्ट आता है सीटेट के लिए, पीआरटी और टीजीटी दोनों में आता है, और ये होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी सेक्शन, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचार में बदलना। तो ऑप्शन जो वन है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। अगला जो ऑप्शन है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय करने की अपेक्षा करता है। नंबर तीसरा ऑप्शन है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचारों के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का के विकास कर लिया है। तो थर्ड का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर वन, यानी तीनों इसके सही है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो इसमें होगा, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ये आपको बताना है। तो वो कैसे कर सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। अगला है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पास करें, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बन सके। तो इसमें क्या आएगा, सीखने के लिए जिससे कि वे जिज्ञासु बन सके। अगला क्वेश्चन है सात नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो इसमें कौन सा है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है। विकास का सिरे पदाभिमुख दिशा निदान सिद्धांत व्याख्या करता है, विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो इसका होगा, सिर से पैर की ओर। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय या मध्य बचपन का समय? तो इसमें होगा, प्रारंभिक जो बचपन का समय है वो। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी अक्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो किसका होगा, ये आनुवंशिकता और पर्यावरण का। निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो जो गौण वाहक होते हैं वो होता है विद्यालय और पास पड़ोस। लव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो इसका जो मूल कारण है वो है सामाजिक अन्योन क्रिया। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? क्वेश्चन क्या है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन,
विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, तो ये आएगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, तो इनको क्या जाना जाता है, समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला 16 नंबर, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्याख्या में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको इसमें सही वाला जो आंसर है वो आपको चुनना है। तो इसमें आएगा, जिन पियाजे इसे अहन केंद्रित भाषा कहेगा और लव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, लिंग है यानी जो जेंडर है वो क्या है, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता या शारीरिक संरचना, तो ये है सामाजिक संरचना। लव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, तो वो देंगे सहयोगी प्रोजेक्ट पर। अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए, बच्चों से बातचीत करनी चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। अगला है, आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, तो ये होगा इससे विद्यार्थियों को और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो यानी फीडबैक मिले। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अनुमति परक, सुविधादाता, सत्तावादी या अधिनायकीय, 23 का आएगा आंसर, 2 ऑप्शन। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ और किस चीज से होती हैं, तो वो होती हैं पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए कहाँ, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन, तो 26 का जो आंसर आएगा सही है क्योंकि अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा उसे, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तो इसका आएगा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह रश्मि व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कर्म प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है, तो 28 का जो आंसर है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता हो और उब जाता है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, वो कैसे बढ़ा सकती है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके।
अगला क्वेश्चन है सीडीपी सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, वो है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बी बिल्कुल सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो ये किस ऑप्शन में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा है। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे, ऑप्शन नंबर 2। अगला है गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग है ही नहीं। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो वो प्राथमिक स्तर पर क्या नहीं आता? एंगल यानी कोण। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो ये किस किस में करते हैं? इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ए बी सी और डी। और ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1। तो बिल्कुल सही है। अगला है एक दिए गए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थी शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? तो इसमें क्या क्या आएगा? आलेख के ग्राफ पेपर के सहयोग से। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करवाना, ये बिल्कुल नहीं है। अगला है 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के स्थानीय मान में क्या अंतर होगा? ये आपको बताना है। तो ये होगा 493 यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला है यदि 30,028 बराबर है 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस, यहाँ रिक्त स्थान पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो है 38, इसका लास्ट ऑप्शन 200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या आएगा? तो ये जो भागफल आएगा ये आएगा 8, ऑप्शन 4। अगला, यदि 603 × 28 बराबर है 63 × 4 × - पर रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आएगा 67, ऑप्शन नंबर 1। 200 और 400 के बीच 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भाग 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज बराबर है, किसके बराबर आएगा? ये इसका आएगा 120। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो ये होगा 12। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 2/3 लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या होगी? वो आपको बतानी है। तो वो होगी 30। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा, उसने 8,076 का नगद भुगतान किया और शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? आपको बतानी, वो होगी 1121 रुपए। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची, यात्रा में लगा समय कितना होगा? तो वो होगा 18 घंटे 15 मिनट। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्नलिखित में किसके सेकंडों की संख्या के? ये आपको बताना है। तो वो होगी 6 घंटे की सेकंडों के।
संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग मिलाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या आपको बतानी है, तो बोतलों की जो संख्या होगी वो होगी 89। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, फलों के मूल्य प्रति केजी नीचे दिए गए। खरबूजा, इसका रेट 18.50, चेरी है 72, अंगूर है 120.60 और सेब है 78.40। रेशमा ने 4.5 केजी खरबूजा, 1 केजी 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 1×3/4 केजी सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापिस मिलेंगे? तो उसे मिलेंगे 163 रुपीज वापिस। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर, दो पेटियों में जिनके आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुणा 0.4 सेंटीमीटर गुणा 0.25 सेंटीमीटर, साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है, ये आपको बताना है, तो ये आएगी 1280। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब? इसका आंसर बताना, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर होंगे, ये फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है कि जो सही नहीं है वो आएगा 55 लीटर 55 मिलीलीटर बराबर है 55.55 लीटर। अगला है, दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? 52 का जो आएगा वो है गुणन योग पर वितरण के रूप में। 53 नंबर क्वेश्चन है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? तो 53 का जो आंसर होगा वो है लैंगिक भेद को। अगला क्वेश्चन है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ये आएगा ग्राफ पेपर। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है, आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता? यह आपको बताना है, तो ग्रीड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना का। अगला 58 नंबर क्वेश्चन, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किन का प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? टेलर का, गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड का, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर, 59 नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 8-9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय का प्रवीण है? तो ये आएगा पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्त्यता। लास्ट क्वेश्चन है गणित का जो पार्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए निम्न कहा, जिनमें पेन, रबर, शॉर्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं का एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबर, 3 शॉर्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? तो 60 नंबर का जो आंसर होगा वो है अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत का।
अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे छह उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु जानबूझ कर परिवार और मित्र उपविषयों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है ये आपको बताना है। तो विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम होना, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। तो 62 का जो आंसर होगा उसमें चारों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो ये देख लेते हैं कौन से में है। ऑप्शन नंबर 1 ये बिल्कुल सही है। अगला है शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है, पानी गुम हो गया एक आंसर ये है, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं ये आपको बताना है। तो वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार, ये ऑप्शन सही है। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, तो इनका जो उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ कर देनी चाहिए। 74 नंबर जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है, तो क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य नहीं है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान करना है। आपको यहाँ पे दिया गया मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख, यहाँ पर जो घर हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसका आएगा ए के साथ जो मैच होगा वो होगा 2 नंबर, यानी मनाली में बनते हैं पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले मकान। बी के साथ आता है 4 नंबर, पत्थर से बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। सी के साथ आता है, सॉरी ये फोर्थ यहाँ पे आएगा, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। और सी के साथ मैच होता है ऑप्शन नंबर 1, बांस के खंभों पर ऊंचे खड़े हुए घर और लद्दाख में जो घर बनते हैं। डी के साथ आता है वो पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ऑप्शन जो 2 है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो पशुओं की जो त्वचा है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं का अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। तो ये जनादेश दिया गया था जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है, मलेरिया, एचआईवी, एड्स या डेंगू। एचआईवी, एड्स, हैजा और डेंगू, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा और चिकनगुनिया, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया इसके बिल्कुल सही आंसर है। घटपर्णी पौधा निपेंथिस भारत में नहीं पाया जाता, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारताओं की ध्वनियां निकालता है, का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका हुआ होता है। तो मेंढक कीड़े और मकोड़ों को चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो आंवला, पालक और गुड़, ये बिल्कुल सही है। अगला है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे ये आपको बताना है, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से या उज्बेकिस्तान से, तो ये आए थे दक्षिण अमेरिका से। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, बया, कलचिड़ी, फाख्ता या शक्करखोरा।
तो कौन सा पक्षी बनाता है? ये बनाता है फाख्ता, ऑप्शन थ्री। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह लगभग दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये पक्षी बताए गए चिंपैंजी, पैंडा, स्लॉथ या लंगूर। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर थ्री, स्लॉथ। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? सांप, रेशम कीट या छिपकली, चील, गरुड़ या गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर या तितली, बाघ, तेंदुआ या सांड। तो इसमें आएगा चील, गरुड़ और गिद्ध, ऑप्शन नंबर दो। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और ढंग से पहचानिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार होती है तब उसे हल्का खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। किस प्रकार की खेती है? झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती, सिंचाई खेती या सहकारी खेती। तो इसका जो आंसर आएगा वो होता है झूम की खेती। जब कोई सपेरा अपने वाद यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद यंत्र को सूंघकर, उस वाद यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर फोर। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अगला सत्य है क्योंकि किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी। तो ये होती है अम्लीय, ऑप्शन नंबर दो। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों के पत्तियों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण रहित वाली पत्तियां, बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह बी को सही माना और समूह को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम के आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और सत्रीकृत होता है और इसका एक ही सही उत्तर होता है। ये बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं, 82 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन पर ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसमें ए, बी और डी जो बिल्कुल सही हैं। तो ये किस ऑप्शन में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों के संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो कथन नहीं है वो आपको निकालना है। तो वो है प्रोडो के समर्थन में बच्चों को अपनी अक्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयोग होगा? कागज, पेंसिल, परीक्षण, मौखिक प्रश्न, निर्धारण मापनिया या दत्त कार्य। तो इसमें होगा मौखिक प्रश्न। अगला है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक होगा? कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? उपयुक्त प्रश्न में पूछे जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल
के आकलन की संभावना है। प्रश्न पूछना अभिव्यक्ति, प्रयोग या चर्चा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रयोग। अगला है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतर को समझने देना। कूड़े में बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो इसका आएगा कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियां क्या थी। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए चार प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों में होगा शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्व आकलन, शिक्षकों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। तो ये क्या होगा, दोनों का स्व आकलन। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें आएगी बच्चे को दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन दो इसका बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस पार्ट का 90 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पहलुओं के चित्र देता और उन पर पशुओं के रंग भरने को कहता जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य सृजनात्मक का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए बिल्कुल सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन डी बिल्कुल गलत है। तो देख लेते हैं तीनों किस ऑप्शन में दिए गए, ए बी और सी ऑप्शन नंबर दो में दिए गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में वो पीआरटी लेवल वन का जो कॉमन पेपर होता है 90 नंबर तक का 90 क्वेश्चन वो आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो रेगुलर आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। उसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब।